नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि दिमागी या मस्तिष्क को चोट के कुछ संभावित कारण हैं। दोस्तों आइए जानते हैं। पहला, गर्भावस्था के दौरान संक्रमण। माओं को गर्भावस्था के दौरान अगर किसी तरह का संक्रमण होता है तो यह भ्रूण के विकसित होते तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों दूसरा है, समय से पहले जन्म। इससे भी नवजात शिशु का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो सकता है अगर आंतरिक रक्तस्राव होता है। दूसरा संभावित कारण पीलिया है। खून में अत्यधिक बिलुरुबिन की वजह से पीलिया होता है। आमतौर पर बिलुरुबिन यकृत यानी लीवर के जरिए बाहर निकल जाता है। तीसरा दोस्तों, शुरुआती नवजात वर्ष गंभीर बीमारी चोट या मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी से भी उसकी कोशिकाओं को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए दिमागी मस्तिष्क में चोट आ जाती है। उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई हो। यदि आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।